आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न है, 5 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग सम हो। ये सम 50,000 के बराबर, 45,000 के बराबर, 60,000 के बराबर या कोई नहीं। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि सबसे पहले 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगी 9 9 9 9 9, 5 बार 9 9 9। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये बराबर हो जाएगी 100, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या तो 5 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 99,999 में से 10,000 माइनस करके 1 ऐड कर देंगे तो ये कुल संख्या आ जाएगी 90,000। अब हमको बताना है कि इनके अंकों का योग सम हो। अब इनके अंकों का योग आधे, इसमें से आधी संख्याओं का अंकों का योग सम होगा और आधी अंकों की संख्याओं का योग विषम होगा। जैसे हम करते हैं कि अगर 11 ले लिया तो इन दोनों का अंकों का योग कितना होगा, 2 होगा, एक सम संख्या है। अगर हमने 12 ले लिया तो इनका सम 3 हो जाएगा। अगर 13 ले लिया तो इनके अंकों का सम 14 हो जाएगा। 15 ले लिया तो इनके अंकों का सम, अगर 14 ले लिया तो 5 हो जाएगा, 15 ले लिया तो 6 हो जाएगा। तो ये सम हो गया, ये विषम हो गया, फिर ये सम हो गया, फिर ये सम हो गया। तो मतलब इसमें आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 90,000 में आधे अंकों का योग सम होगा और आधे का विषम होगा, आधे का विषम होगा। तो यहां से हम यहां से लिख सकते हैं कुल सम संख्याओं का योग, कुल अंकों का योग सम, कुल सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। तो ये बराबर हो जाएगा 90,000 / 2, तो ये आ जाएगा 45,000। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 45,000। तो यहाँ से हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।